खबर से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर मिल रही है, बड़ा अपडेट है, वो आपको बता दें। डीडवाना में एक युवक को हिरासत में लिया गया है, पुलिस हिरासत में लिए गए इस लड़के से पूछताछ कर रही है, ये सबसे बड़ा अपडेट। और देखिए लड़के को हिरासत में लिया क्यों गया है, जो मुख्य आरोपी है उसी की मदद करने के शक में इस लड़के को हिरासत में लिया गया है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जब डीडवाना में एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जांच अब और ज्यादा तेज हो चुकी है सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की, और पुलिस को यह शक है कि जिस लड़के को गिरफ्तार किया गया है वो दरअसल जो मुख्य आरोपी है, मतलब जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसने गोली चलाई, जिसने मारा गोगामेडी को, उसी की मदद इस लड़के ने की थी, हिरासत में से लिया गया है और आगे अब इसके साथ पूछताछ की जा रही है। यह सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, आरोपी की मदद करने के शक में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। और मेरे सहयोगी भवानी का मैं रुख कर लेती हूं। भवानी, अब जांच और ज्यादा तेज हो गई है, ये जिस लड़के को गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में अपडेट क्या है? देखिए, पुलिस ने डीडवाना से जिस शख्स को हिरासत में लिया, अभी गिरफ्तार नहीं किया, हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की जा रही है लगातार, पिछले कई घंटों से उससे पूछताछ चल रही है। और ये आशंका ये जताई जा रही है कि वो रोहित राठौर, जो दो शूटर में से एक शूटर था रोहित राठौर का नज़दीकी माना जा रहा है। तो अब ये पता लगाया जा रहा है कि कई जो ये शूटआउट हुआ उसमें रोहित राठौर की उसने मदद तो नहीं की। अब तमाम सारे इनपुट मिल रहे हैं, उसके बाद में जब पूरी उससे पूछताछ हो जाएगी उसके बाद में पुलिस तय करेगी कि अगर वो दोषी है तो फिर उसको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन काफ़ी अहम है, लगातार पूरे राजस्थान में अलग अलग जगह पर इस वक्त पुलिस की छापेमारी की जा रही है, कुछ लोगों को अलग अलग जगह पर पूछताछ की जा रही है। जी, अलग अलग जगहों पर दबिश इस वक्त दी जा रही है ताकि कुछ और संदिग्धों को हिरासत में लिया जा सके और फिर उनके साथ आगे की पूछताछ की जा सके। देखिए, सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की जांच तेज हो चुकी है, लेकिन अभी तक हुआ क्या क्या है वो आपको एक बार हम बता देते हैं। हत्याकांड की जांच के लिए SIT का गठन कर दिया गया है ताकि ठीक ढंग से जांच की जा सके, लेकिन SIT का गठन तो हो गया, हत्याकांड की जांच NIA से करवाने की मांग की गई थी और उसे भी मान लिया गया है। ACP सोडाला श्याम सुंदर राठौर को इस पूरे मामले की जांच को सौंपा गया है। इसके अलावा UAPA एक्ट, हत्या और कई संगीन धाराओं के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। रोहित राठौर, नितिन फौजी, संपत नेहरा, रोहित गोदारा, इन सब के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। रोहित गोदारा गैंग के 36 बदमाशों को हिरासत में लेकर अभी पूछताछ की जा रही है। रोहित राठौर और नितिन फौजी पर 5-5 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है, कल ही इनाम घोषित किया गया था। आरोपियों को 72 घंटे में गिरफ्तार करने का लिखित आश्वासन दिया गया है, उसी के बाद प्रदर्शन खत्म हुआ। देखिए, जयपुर के श्याम नगर थाने के प्रभारी और बीट प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया लापरवाही के चलते। आरोपियों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी और छापेमारी अब भी की जा रही है ताकि संदिग्धों की गिरफ्तारी हो सके, पकड़ा जा सके। FIR में अशोक गहलोत और DGP का नाम शामिल किया गया है, क्योंकि यही बात परिवार कह रहा है कि अगर पहले ध्यान दिया गया होता, कहा था कि सुरक्षा मिल जाए वो दे दी गई होती, तो फिर शायद ये नौबत ही नहीं आती, शायद हत्याकांड को अंजाम ही नहीं दिया गया था। और इसीलिए FIR अब जबकि दर्ज करवाई गई है, उसमें अशोक गहलोत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के हैं उनका और DGP का नाम शामिल किया गया है।